तो क्या चल रहा है भाई यो केड़ो वाले, वेलकम बैक टू द चैनल मैन। यार एक नई वीडियो में, कल संडे था एंड आई वाज सपोज टू मेक द रोस्टिंग वीडियो, बट सिंस स्नीक पीक ऑफ द सितंबर अपडेट आ गया था, देन स्नीक पीक इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन माय वीडियो मेकिंग लिस्ट। इसलिए मैंने पहले स्नीक पीक अपडेट की वीडियो बनाई एंड देन आई थॉट कि मैं शाम में रोस्टिंग वीडियो बना दूंगा, बट आई गॉट स्टक अप इन सम वर्क, तो मैंने सोचा कि आज के लिए उसे रख लेते हैं बिकॉज स्नीक पीक्स आर कमिंग इन ऑल्टरनेट डे फैशन। बट सरप्राइजिंगली आज एक और स्नीक पीक अभी आ चुका है, सो आई विल ट्राई टू मेक द रोस्टिंग वीडियो इन द इवनिंग, तो उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। बट रोस्टिंग वीडियो आ जाएगी बिफोर द नेक्स्ट संडे एंड नेक्स्ट संडे को हम फिर से एक और बार रोस्ट कर लेंगे, देन बैक टू द नॉर्मल ट्रैक। बट फॉर नाउ अभी हमें थोड़ा सा डिटूर लेना पड़ रहा है, सो सॉरी अबाउट दैट। बट सिंस अभी थर्ड स्नीक पीक आ चुका है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू पहले चलते स्नीक पीक देख लेते हैं एंड देन विल डिस्कस कि क्या चीज पर ये बेस्ड है एंड कौन से कैरेक्टर की यहाँ पे रेफरेंस हो रही है। सो या लेट्स गो टू फोरम एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पे एज यू कैन सी सेप्टेम्बर स्नीक पीक #3, तो यहाँ पे सीएम फ्रैगमेंट हमें बोलता है विद द राइज ऑफ मेफिस्टोस फोर्ट्रेस इन लास वेगस अ रेसिडेंट सुपर हीरो डॉन्स हिज स्कारलेट मास्क वंस अगेन। तो यहाँ पे तो यार मेफिस्टो का कंफर्मेशन हो चुका है, सिंस अभी तक ऑफिशियली लेजिटिमेटली कोई स्नीक पिक पे हमें नहीं बताया गया कि मेफिस्टो आने वाला है, बट इन्होंने काइंड ऑफ हमें दो कैरेक्टर का यहाँ पे स्नीक पिक दे दिया, जो कि है एक मेफिस्टो एंड दूसरी वाली है स्कारलेट विच। नहीं यार, स्कारलेट का मतलब स्कारलेट विच नहीं होता है हर बार, दिस इज स्कारलेट स्पाइडर जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। फिर उसके आगे हमें बोलते हैं सिंस आर एजेंट्स हैवंट गैदर्ड एनफ इंटेल ऑन दिस डेंजरस एरिया His reconnaissance will be invaluable. तो swinging through the city. तो ये काम तो सिर्फ एक बंदा करता है जो कि है Spider-Man. But in the case of Damnation comic series and the Midnight Suns, it is Scarlet Spider. And यहाँ पे हमें Hotel Inferno का close look दिख रहा है, Shadowland के tower जैसा kind of look है, but it is really very cool. And yeah, it's looking superb. Maybe Hotel Inferno एक game mode हो, I don't know, but we'll have to see about that. क्योंकि Hotel Inferno को दो दो sneak peek में इतना ज़्यादा emphasis करके दिखाया गया है. I know it refers to Mephisto and उसके comic के बारे में, but still यार, it is not that big of a deal कि उसे इतने सारे sneak peeks में दिखाया जाए as the highlight या फिर center of the sneak peeks. So yeah, I think Hotel Inferno might be a new game mode या फिर danger mode, danger room extreme, who knows, but we'll have to see about that. But अगर हम यहाँ पे इमेज को थोड़ा क्लोजली देखें तो let's zoom it a bit या फिर full screen में करके देखते हैं, एंड when we zoom on into the window तो यहाँ पे स्पाइडर का लोगो बना हुआ है एंड उल्टा लिखा हुआ है was here. So this is really very cool यार, kind of Easter egg है. सो नेट मार्बल डेव्स आर रियली वेरी गुड एट दीज स्टफ्स एंड यहाँ पे आपको स्पाइडर का एक वेब भी दिखाई दे रहा होगा जिसे मैंने जूम इन किया हुआ है. सो या इट्स लुकिंग फैंटास्टिक एंड बहुत ही सही दिख रहा है यार. स्नीक पिक टीम्स A1, अपडेट टीम B+, ठीक है. सो दैट इज द ग्रेड आई विल बी ग्रेडिंग दैम इन टू, बट दैट इज जोक्स अपार्ट. फिर यहाँ पे हमें बोला जाता है लुक्स लाइक देयर इज गोइंग टू बी अ वेब्ड वंडर जॉइनिंग द एक्शन अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ ईविल, कीप एन आई आउट एजेंट्स. तो यहाँ पे एक और स्पाइडर कैरेक्टर न्यू एड होने वाला है इन द गेम. वी ऑलरेडी हैव सो मेनी स्पाइडर कैरेक्टर्स एंड जितने भी स्पाइडर कैरेक्टर्स अभी तक हमारे पास गेम में है दे आर बेसिकली ट्रैश्ड या फिर मोस्ट ऑफ देम आर ट्रैश्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द प्रीमियम स्पाइडरमैन 2099. सो विद द एडिशन ऑफ स्कारलेट स्पाइडर एक और स्पाइडर कैरेक्टर हमारे पास गेम में ऐड होने वाला है, बट वी ऑलरेडी हैव सो मैनी स्पाइडर कैरेक्टर्स इन द गेम. या वेल, डॉक्टर ऑक्टोपस को हम नहीं इंक्लूड कर सकते इन द स्पाइडर कैरेक्टर, बट स्टिल आईड लाइक टू कीप हिम हियर. बट या अगर हम स्पाइडर कैरेक्टर्स के लेवल की बात करें, पार लेवल की, तो आप देख सकते हैं स्पाइडर मैन इज ट्रैश. वेनम खाली उसके ये एंटी वेनम यूनिफॉर्म के साथ एज वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में हेल्प करता है विद द हीलिंग बबल जो कि वो पॉप करता है. डॉक्टर ऑक्टोपस एन एक्सेप्शन. फिर यहाँ पे स्पाइडर गवेन ट्रैश, स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स इज ट्रैश, एजेंट वेनम इज ट्रैश, कार्नेज इज ट्रैश एंड स्पाइडरमैन 2099 को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसकी आपको ये ऑल न्यू ऑल डिफरेंट यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी एंड ही इज अ प्रीमियम कैरेक्टर. तो प्रीमियम कैरेक्टर होने के नाते इसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो होना भी चाहिए, बट आपको यूनिफॉर्म भी लेना पड़ेगा. सो ये 6 कैरेक्टर्स अभी हमारे पास इन द गेम जो कि स्पाइडर कैरेक्टर्स है एंड साथ ही साथ अभी एक नया वेब्ड हीरो आने वाला है जो कि है स्कारलेट स्पाइडर, बट विल हैव टू सी कि वो कितना पावरफुल होने वाला है. आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू बी ओपी एज हेल बिकॉज इन द कॉमिक ही इज सो डैम स्ट्रॉन्ग, लाइक ही टू कार्नेज 1-on-1 एंड और भी बहुत सारे करामात किए उसने. सो या आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिट पार लेवल उससे, लाइक
एटलीस्ट बेटर देन स्पाइडरमैन, या फिर अगर और स्ट्रांग हो तो दैट वुड बी फन. एंड ऑल्सो गाइज, आई मिस्ड समथिंग इन द प्रीवियस स्नीक पीक जो कि हमें दिखाया गया था अबाउट मॉर्बियस. तो उसमें मैंडले जेम फ्रेगमेंट का भी एक छोटा सा लोगो था, लाइक मैंडले जेम फ्रेगमेंट इन द लैब वॉज देयर, बट मैंने उसे ऑब्वियसली मिस कर दिया. सो दैट मीन्स यार मॉर्बियस का अवेकनिंग स्किल भी आने वाला है उसके कैरेक्टर के साथ साथ. सो या दैट बी फन टू सी एज वेल. आई एम थिंकिंग कि मॉर्बियस इज गोइंग टू बी इन द डेंजर रूम 4500 क्रिस्टल टेरिटरी, बिकॉज अभी ये वाला अगर हम देखें तो डेंजर रूम में जाके, वेट अ सेक, रॉन्ग गेम मोड, ओके. सो अगर अभी हम ये वाले डेंजर रूम में जाके देखें तो ओके व्हाटएवर, तो यहाँ से अभी हमारे पास वो डेंजर रूम पैकेज जा चुका है. तो दैट मीन्स एक नया डेंजर रूम पैकेज आना इज ड्यू. सो आई एम श्योर यार कि एक कैरेक्टर डेंजर रूम कैरेक्टर होने वाला है जिससे आपको 4500 क्रिस्टल्स दे के आपको लेना पड़ेगा. एंड साथ ही साथ नेक्स्ट एक कैरेक्टर प्रीमियम कैरेक्टर होने वाला है. सो आई एम थिंकिंग मेफिस्टो या फिर स्कारलेट स्पाइडर में से कोई एक प्रीमियम कैरेक्टर होने वाला है एंड एक फ्री टू प्ले फार्मेबल कैरेक्टर होने वाला है. सो देर आर थ्री कैरेक्टर्स कन्फर्म्ड राइट नाउ. अभी मैन थिंग के बारे में देखना बाकी है एंड टोपैस के बारे में देखना बाकी है एंड और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था, विच वर डैनी कैच इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर. तो उसका भी देखना हमें बाकी है. सो इट बी फन टू सी कि कैसे कैसे न्यू कैरेक्टर्स और आते, कितने न्यू कैरेक्टर्स आते, कितने सारे कैरेक्टर्स को यूनिफॉर्म मिलता है एंड कौन हमारा मेन टीयर थ्री होने वाला है, क्योंकि अभी तक टीयर थ्री डिस्क्लोज नहीं हुआ है. सो इट विल बी अ फन टू सी अपडेट एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लेजिट फन, वन ऑफ द बेस्ट अपडेट्स ऑफ 2020. सो विल हैव टू सी अबाउट दैट. सो या विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. इफ यू डिड डू इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब वुड बी मैसिवली अप्रिशिएटेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन पीस आउट, टेक केयर, शाओ.